وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أَرْضَاهُنَا وَأَرْضَاهُ العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين الآبدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في البسايا بنا لما زدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلوات किसी भी नबी ने कभी भी अपनी उम्मत से कुछ नहीं मांगा मांगा तो अंबिया ने मांगा हुकुम खुदाबंद तबारक व ताली की जानब से इस मांगने का जिक्र क़ुरान मजीद में मांगा तो क्या मांगा कुरबा की मबदत को मांगा दिया तो क्या दिया उम्मत ने यहाँ अंबिया दुनिया से रख्सत हुए वहाँ जनाब सैदा के घर का घिराव हुआ ये जो जनाब सैदा के घर का घिराव हुआ तो नौबत यहाँ तक पहुँची पचास साल के बाद के रसूल की नवासियों को दरबदर फिराया गया और फिर यह हुआ कि जो अहल बैत का दिफा करें वो काफिर हैं राफजी हैं और जो उन दुश्मनान अहल बैत का दिफा करें वो हो गया इस्लाम जब जिक्र किया जाता है कर्बा रसूल अल्लाह का तो सब के बारे में सवाल हो सकता है शक किया जा सकता है क्योंकि कोशिश की बाज़ मुफसरीन सुन्नत ने कि तमाम क्रैश को भी शामिल कर लें अहल मक् को भी शामिल कर लें जब यह गुफ्तु होती है तो यहाँ पर कहना चाहिए अब तमाम इंसानों को कर लें शामिल क्योंकि अगर अशरफुलंबिया के बाद यानी उनको मद् रखते हुए सर्कल्स बनाए जाएँ उनसे करीब लोगों की तो पहला सर्कल क्या बनेगा वो बनेगा अपनी बेटी और बच्चों का फिर अगली नस्ल का और क्या फिर रिश्तेदारों का फिर कूर कौम कबीले का फिर उसके बाद तमाम इंसानों का क्योंकि सारे इंसान करीब हैं अंबिया से बेनस्बत किसके जानवरों के फिर जानवर करीब हैं बेनिस्बत किसके नबातात के बिलाखिर नबातात भी तो जिंदा चीज़ है फिर नबातात जो है वो करीब हैं रसूल अल्लाह से बनबत किसके जमादात के पत्थर वगैरह के फिर कहा जाएगा सारी मखलूक़ात ही करीब हैं क्योंकि बिलाखिर वो भी इस एतबार से के मखलूक़ हैं तो जितना बात को फैलाया जाए अहल वैत के फ़ाइल को कम करने के लिए तो बाज़ दफ़ा ढील दी जाती है कि जी अहले मक्का को नहीं सारे इंसानों को नहीं सारे जानवरों को भी शामिल कर लो सारी मखलूक को शामिल कर लो लेकिन याद रखें कि सब के बारे में सवाल हो सकता है कि ये क़रबा हैं या नहीं हैं ये क़रबा हैं या नहीं हैं लेकिन जनाब सैदा के बारे में सवाल नहीं हो सकता कि यह कुरबा है या नहीं है वहां सिर्फ एक बात करनी होगी ये सिर्फ और सिर्फ कुरबा ही है तो सवाल यह पैदा होगा कि इस आयत को जितना आप इससे खेलना चाहें खेलें हम सिर्फ एक सवाल करेंगे जनाब सैदा कुरबा है या नहीं है या नहीं है का सवाल ही पैदा नहीं होता यह तो सौ फीसद क़ुरबा है क्या उस सैदा का एहतराम किया गया क्या तारीख में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सैयदा को रुलाया गया हो सलवाद पढ़े मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब सैयदा का गिरिया और रोना ही सबब है उनको अजियत देना ही सबब है कि आज तक हिदायत का दरवाजा खुला हुआ है एक वाकया में बाज दफा बयान करता हूँ मैं कराची में एक दफा निका पढ़ाने गया तो वहां पर एक फैमिली जो थी वो बलोच थी थोड़ा सा हमें अजीब लगा क्योंकि जो प्योर बलोच हैं आमतौर तो पे नहीं होते शिया तो बाद में किसी ने बताया कि ये लोग सब शिया हुए हैं यानी इससे पहले कि हम पूछते किसी ने खुद ही बता दिया ये सब शिया हुए हैं भी कुछ ही अरसे पहले कुछ साल पहले अब जब उन्होंने ये कहा कि हम शिया हुए हैं अभी कुछ साल पहले यानी हमारा खानदान तो फिर हमें भी लगा मुनासिब कि अब पूछ लें क्यों हुए भाई शिया तो वो कहते हैं कि उनके एक साहब की किसी से गुफ्तु हुई और जो गुफ्तु हुई वो भी कोई शिया था और गुफ्तु यह हुई कि इस जवान ने कहा कि मेरे दादा ये फरमाते हैं और दादा जो थे मिसाल के तौर पर एक दादा या दादा के भाई ज़रा एक बड़ी पर्सनालिटी थे उनके कौम कबीले के लिए तो ये जो शिया भाई था अल्लाह उसको उसकी तोफीकत में इजाफा करे उसने कहा है, तुम्हारे दादा फरमाते हैं पता नहीं सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं तो उसको शौक लगा भाई ये मेरे घर के बड़े हैं सीनियर हैं कहा तो क्या हुआ जब हजरत फातिमा सलाम हाँ पे शक हो सकता है तो तुम्हारा दादा क्या चीज है यहां से उसने सवाल किया हजरत फातिमा पे शक इसी दौरान उसने कहा अपने दादा की गवाही लेके आओ सच बोल रहे हैं झूठ तो कहा जब हज़रत फातमा से गवाही मांगी जा सकती है तो हमारा दादा क्या चीज़ है यहाँ से उसने कहा क्या हजरत फातमा पर शकिया क्या था उनसे गवाही मांगी गई थी कभी ये चीज़ सबब बनी कि यहाँ से उसने रिसर्च शुरू की और ये पूरा खानदान अहल बैतम की ग़ुलामी में आया और यही मौजूद याद रखें कि मौलाना इसमाइल जो बंदी रहमत मज़हब हक अहलबैत में दाखिल हुए थे यही चीज़ सब बनी थी और एक बहुत बड़ी तादाद जो मज़हब हक बैत में दाखिल हो रही है याद रखें कि फ़ाइनल जो चीज़ होती है कि जो उनको हिलाए जगह से वो यही मजलूमियत होती है वह हत्या मजलूमियत इमाम हुसैन भी नहीं होती अब मुमकिन है कोई कहे कि मजलूमत इमाम हुसैन कम है नहीं मजलूमत इमाम हुसैन कम नहीं है लेकिन एक आदमी यजीज से बारात कर, कर बिल भी फिर भी उधर रह जाएगा जरूरी नहीं है कि इंसान जब मज़हब बदले तो इकरार करे बाज़ लोग नजर आते हैं किसी दीन में होते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते वो उनको कल्चर रोक रहा होता है वो अंदर से तो ख़त्म हो चुके होते हैं अब अगर कोई जनाब इमाम हुसैन अलातम की शहादत को सुने और कातिल को जान ले तो भी मुमकिन है कि वह उधर ही रहे और अगर इमाम हसन की शहादत को सुन ले और कातिल को जान ले तो भी मुमकिन है कि उधर रहे और अगर मौला अमिरमीन की शहादत को जान ले और कातिलीन को पहचान ले चाहे पहले मरहले में उनको खवारिज कहा जाए चाहे खवारिज को हुकम माविया का हो बिल आखिर वो अपने मजहब पे बाकी रहेगा लेकिन अगर जनाब सैदा की शहादत का इल्म होता है और कातलों से आशनाई होती है तो वो ऐलान करे न करे वो फिर उस जगह नहीं रहता जहां पर था जरूरी नहीं है जबान से अब कहे के मैं शिया हो गया हूं कातिल को पहचाना इमारत गिर गई तो क्या हुआ है खुरबा रसूल अल्लाह के साथ और फिर मैं अर्ज़ करूँ कि आलम इस्लाम में, में बद अशरफ लम्बिया बाद अशरफ अशरफुल्बिया से मुराद बाद शहादत अशरफ लंबिया बाद शहादत अशरफ ललम्बिया से मुराद बाद कत्ल अशरफ लंबिया शहादत रसूल अल्लाह को सब ने मिल के छुपाया हमने मजबूरियों में छुपाया खौफ में छुपाया लेकिन इसको छुपाना दर हकीकत एक म हुआ लफ्ज शहाहादत हजरत फातमा अल्लाह का शिक्र हमने नहीं छुपाया और आपको ताजुब होगा एक बहुत बड़ी तादाद इस लफ्ज को छुपाना चाहती है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक जमाने में हम देखते थे आए दिन यह प्रॉब्लम आए दिन से मुराद हर एक दो साल के बाद प्रॉब्लम होता था कि मोमिन ने इश्हार दिया है जंग अखबार में शहादत हजरत फातमत तो ज़हरा सलामत वसलाम के उन्नवान से और लिखा हुआ आ रहा है वफ़ात हजरत फातमा आमतौर पर लोग फॉलो नहीं करते थे उसे जाहिर है हमारे कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है बजा लोजी आ गया आ गया लेकिन जब फॉलो किया जाता था कुछ लोगों ने फॉलो किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें इजाजत नहीं है वजह क्या है कि लफ्ज शहादत उनकी इमारत को गिरा देता आज ये इश्तहार में आता शहादत हजरत फातिमा तो जहरा सलाम कोई ना कोई एक ना एक बेदार आदमी यह सवाल करता क्या हजरत फातमा कत्ल हुई कौन लोग थे उस वक्त कातिल जो है वो बेजनटाइन एम्पायर का था या रोमन एम्पायर का था या चाइना से आया था कि जापान से आया था उसका हक है सवाल करे लेकिन जब जवाब आता तो उनकी इमारत गिर जाती आज़ादारी इमाम हुसैन का जो अहम तरीन मकसद है वो यही है कि सवालत को जन्म देना लोगों के रसूल और नवास रसूल और आल रसूल के बारे में क्यों क्या कब किसने कैसे क्यों मारे गए किसने मारा क्या वजह थी ये सवालात को जन्म देना दर, दर हकीकत यह इबादत है अब इन सवालात के लिए यह सया कपड़े ये अलम ताबूत जुलझना या गुफ्तु गुफ्तु में नसर हो या सोज हो सलाम हो नौहा हो मरसिया हो या मिसाल के तौर पर तबरुकात कि जो आज हमारे यहाँ लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं ये कतान मॉडर्न नहीं है मॉडर्न हमारे नज़दीक हैं अगर किसी को ज़्यादा मॉडर्न बनना है मॉडर्न एक हमारे बहुत सारे हैं मॉडर्न लेकिन एक हस्ती का हम जिक्र करें कि जिनके लिए वाक एक अलग नशस्त होनी चाहिए वो थे जनाब हजरत ख्वाजाए तोसी वो थे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वो हस्ती माहिर एल्जब्रा में फ़िज़िक्स में जोमेट्री में माहिर, माह्रोमेट्री में माहिर, और एक दायरा ख़ु होता है उसको जोमेट्री का मौजू है उसको वो एक मिलियन से ज़्यादा तरीक़ों से डिवाइड कर सकते थे उस तरलाब तो जो ज़माने में ऑब्जर्वेटरी की अहम तरीन चीज़ थी उसके माहिर एक उनकी बनाई हुई चीज़ थी उसको आप सर्च कर सकते हैं अभी भी क्योंकि बाकी चीज़ें फ़ौर नहीं मिलेंगी लेकिन वो अभी भी मिल जाएगी वो सर्च करें आप लिखें तूसी कपल तूसी कपल क्या है तूसी कपल है दो कपल और दो सर्कल जो ऐसे ऐसे करके घूमते हैं और इससे पूरा निज़ाम का हिसाब लगाया जा सकता है क्योंकि कायनात में जितने भी गर्दिशें हैं ये लाखों गर्दिशें हैं कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे ये लाखों गर्दिशें करोड़ों गर्दिशें अरबों गर्दिशें खरबों गर्दिशें वो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बनाया तुसी कपल उनका जो मकाम है उसको नहीं पहचाना हमने ही नहीं पहचाना दूसरा क्या पहचानेगा हमारे यहां जिक्र नहीं होता हमारे उनके ऊपर गुफ्तगु रख दी जाए सेमिनार रख दिया जाए मजलिस रख दी जाए कह जाए कहा जाएगा कि ये कोई गुफ्तु का मौजूद चांद के गढ़ों में से एक गढ़े का नाम तूसी है हमने नहीं उनको पहचाना लेकिन फिर भी दुनिया की जदीद ऑब्जर्वेटरी वालों ने उनको थोड़ा सा एहतराम दिया है थोड़ा सा दिया है उनकी शान नहीं आई है शान इससे ज्यादा है उनकी एक सलावत है और वो सलावत हमने जिसके जरिए से सुनी हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं वो थे हजरत अल्लामा नसीर उल इश्तहादी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बर मुहम्मद वाले मोहम्मद सलाबाद वो पूरे चौदह मासूमिन की एक सलाबाद है उसका एक हिस्सा वो पढ़ते थे अगर आपको याद हो जब इमाम जमान साम का जिक्र मुबारक वो फरमाते थे तो क्या फरमाते, फरमाते؟ साहेबो दिन आया याद कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको याद होगा हम उस जमाने में छोटे थे लेकिन हमें उनका स्टाइल अच्छा लगता था बाद में एक दफा मुझे बैठे बैठे कुम जाने के बाद एकदम से ख़याल हुआ क्या कहते थे फिर हमने तजस किया तो ये जनाब ख्वाजा की सलावत का आखिरी हिस्सा पढ़ते थे कि जिसमें इमाम जमान साम की खसूसियात को बयान हो रहा है कि वो क्या है साहिब यानी रखने वाले साहिब से मुराद होता है जैसे कहा जाता है ना साहिब कुदरत साहिब साहब दावत नबबिया कि जिसकी जो दावत है वह नबवी दावत होगी व सऊलत व वस्मत फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजातल हुसैनिया, ये जो पूरा सिलसिला ये ख्वाजा तूसी हैं ये ख्वाजा तूसी ये तूसी कपल वाले ये ख्वाजा तूसी कि चांद का एक घड़ा आज भी ऑब्जर्वेटरी आप इसी वक्त के नासा वाले भी एहतराम करते हैं शिया करें ना करें नासा वाले एहतराम करते हैं दुनिया की पहली ऑब्जर्वेटरी जो मोरागा की बनाई थी वो इन्होंने बनाई थी वो क्या फरमाते हैं आप पता है अपने बारे में ये होता है मॉडर्न कि जब मैं मर जाऊं इमाम आजमल के रोज़े के पास दफन करना और मेरी कब्र पे लिखना वकल बम बातन जराए ही बिलवसी और उनका कुत्ता वार के पास पाऊ फैलाए सो रहा है ये होते हैं मॉडर्न मॉडर्न किसी को बनना है आके पहले कोई इस्लामिक बैंकिंग की बात करो शहीद सदर की तरह आके कोई इस्लामिक इंश्योरेंस की बात करो ये शियत के ऊपर एतराजात, आजादारी के ऊपर एतराजात, इंसान को मॉडर्न नहीं बनाता मॉडर्न बनने के लिए कोई मॉडर्न सब्जेक्ट तलाश करो और साबित करो उसको मॉडर्न रिलीजन के ऊपर अटैक करके नहीं बनता इंसान याद रखें। वो बेदीन बनता है बस आपने देखे होंगे यहां पर भी यूरोप अमेरिका में दिन का इनकार करके मॉडर्न बनते दिन का इनकार करके मॉडर्न नहीं बनते कोई नई थ्योरी ला बताओ तो मॉडर्न बनोगे ये थे ख्वाजा तुसी, इसे कहते हैं मॉडर्न ज्यारत आशरू की चीज़ों को बयान करें कि कितनी वो पॉलिटिकली हैं लेकिन साथ में एक चीज़ बयान करें कि ये जो आज़ादारी के तबरक़ा के ऊपर बाज़ दफलोक अटैक करते हैं हमें फ़ख्र करना चाहिए कि आज़ादारी के तबर्रकत हैं चाहेम ताबूत हो, हो जुलझना हो और खूसा जो झूला है मॉडर्न आर्ट का हिस्सा है ये हमें तो फख्र करना चाहिए कि हम लोगों ने इन चीजों को इतने पहले इस्तेमाल किया यह सारी चीजें सिंबल्स हैं तमसील हैं याद रखें पूरा हज पूरा हज जबान से अदा करने वाली चीजें जो हैं सिर्फ दो हैं एक तलबिया है नियत के बाद और एक क्या चीज है दो रखत नमाज पहले तवाफ की दो रखत नमाज तवाफ सा की ये दो चीजें हो गई इन दो नमाजों को दो कर दें तो तीन चीजें हो गई लेकिन नमाज को एक करें तो नमाज एक तलबिया दो बाकी जो काम है याद रखें हज और उम्र में सिर्फ करने का है पढ़ने का कुछ नहीं है कुछ नहीं है तवाफ आप बातें करते हुए करें बस खामोशी से करें बातें करते हुए करें कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है वो बाकी मुस्त में याद रखें अराफात में आप जाके सो जाए सही है आपको वहाँ होना है आपको मशार में होना है आपको अराफात में होना है आपको मिना में होना है जानवर को कुर्बान करना है बाल को काटने सारी चीज़ों ये पूरा हज जो है हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा की दास्तान की तमसील है हज़रत इब्राहिम ने पर्चा में तोहिद को बुलंद किया खान काबा हज़रत इब्राहिम ने काबा बनाया मक़ाम इब्राहिम मक़ाम इब्राहिम क्या चीज़ है एक पत्थर जिसके ऊपर अल्लाह के नबी खड़े हुए और आने मजीद फरमाता है वजुमन मक़ाम इब्राहिम और मुसल्ह चले वो तो जी नबी थे हज़रत हाजरा नबी थी नबी तो नहीं थी नबी की सोजा थी परेशानी में सफ़ा मरवा से इधर से उधर गईं अलबत्त भागना लॉजिकली सही था ये ऐसा नहीं था माजाला माजाला लोग तब करते हैं परेशानी में इधर सुधरना ये इनका भागना ऐसा था कि एक पहाड़ी यहां पर है एक पहाड़ी यहां पर है ये पहाड़ियां आज जैसी नहीं थी ऊंची पहाड़ियां थी अब इनको ये देखना है कि एक दफा यहां गई और कुछ देर रुक के इस पूरे हिस्से को देखा काफिला गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा कोई नहीं गुजर रहा अब उसके बाद घबरा के इस जाने में कि इस तरफ का व्यू देखें कि यहां से कोई गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा कोई नहीं गुजर रहा फिर रुकी फिर उधर गई फिर रुकी फिर इधर गई ये जो उनकी तेजी से जाना था का हरवाला था जहां पर वो तेज दौड़ी हैं वहां पर दौड़ना मुस्तहब हो गया है लाइन लाइट लगी हुई अगर आप जाएं यहाँ पर रफ्तार तेज कर दें क्योंकि जनाब हजरत सैयद हजरा सलवात के कदमों की रफ्तार तेज हो गई थी आज तक वाजिब हो गया क्या वाजिब हो गया इन सफा बल मरवा सफा और मरवा जो है अल्लाह की हैं अल्लाह की निशानियां माजल्ला 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 अल्लाह का वजूद था मां हजरत अब्राहिम से तो मनसूब नहीं है सफा मरवा सफा मरवा एक नबी की प्यास का एहसास करके नबी की मां जहां दौड़ी वो बन गया शाहिर दौड़ो सारी जिंदगी क्योंकि परचम में तोहिद को बुलंद किया है इब्राहिम ने तो इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा व सलाम के अफआल की तुमको तमसीला नकल गा जा सकता है उतारनी होगी वो जानवर क्या बन गया वलबुदना जल्लाह अल्लाह। यह कुर्बानी का जानवर अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या बना दिया शायर अल्लाह? शायर अल्लाह क्या माना है अल्लाह की निशानियां तो ये पूरा हज और उम्र यही है अब ये जो हज और उम्र है बिल्कुल इसी तरीके से आजादारी और उसके तबर्रक मज़लूमियत ख़ानदान ख़ ख़ की याद को ताज़ा करते हैं ये नसर के ज़रिए हो यानी इस तरह गुफ्तगु अशार के ज़रिए से हो अशार में सोज व सलाम, और नोहा, व मरसिया वो, काले परचम हो ये हो ये हो, कुछ भी हो ये इंसान इन, के जहन में सवाल लेके आते हैं ये उस याद को ताज़ा रखते हैं तो झूला भी याद रखें कि ये इसलिए तो नहीं है कि हम कोई झूला बेच रहे हैं कोई झूले ही कंपनी खोली है चांदी का झूला सोने का झूला ऐसा झूला वैसा झूला हमारे यहाँ कोई भी झूले का साइज़ या झूले का मेटल मटेरियल या झूले का स्टाइल नहीं है छोटा झूला बडा इतने इतने से भी होते हैं छोटा हो बड़ा हो यह सब इसलिए होते हैं कि नवाज रसूल के फरजंद के कत्ल की याद को ताजा रखना असल में यह ताज़ा याद रखना इबादत है यहां पे एक सवाल बाज दफा करते हैं जी आजादारी में रोना नहीं आया तो इस चीज का फायदा नहीं है किसने कहा आजादारी की सारी चीजें रोने के लिए हैं कहा है किसी ने आजादारी की सारी चीजें रोने के लिए हैं है ही नहीं आजादारी और आजादारी की सारी चीजें दर हकीकत पहले मरहले में इमाम हुसैन की मजलूमियत की याद दिलाने के लिए हैं बाद में अगर आपको रोना आ जाता है तो बहुत अच्छा है वो पहले मरहले में रोने के लिए नहीं है वो पहले मरहले में इमाम हुसैन की मजलूमियत की याद को ताजा रखने के लिए है आपके जहन में उस वाके को याद दिलाने के लिए हैं अब अगर याद आने के बाद आपको रोना आ जाता है तो नूर लाना नूर लेकिन असल मौजू रोना नहीं है असल मौजू मजलूमियत हुसैन को याद रखना है याद दिलाना है और जिंदा रखना है हमारे यहां लोग मॉडर्न बनते हैं जो एतराज वहावियों ने करना छोड़ दिए वो एतराज अब हमारे बावले किस्म के लोग अपने आप को मॉडर्न समझ के एतराज कर रहे हैं लानत हो तुम्हारे ऊपर मॉडर्न बनना था तो शेख तुसी बनते मॉडर्न बनना था तो बाकर सदर बनते मॉडर्न बनना था तो मूसा सदर बनते आलम इस्लाम की अहम तरीन किताब बैंकिंग पे लिखी किसने लिखी आगा मूसा सदर ने ऐसे होते हैं मॉडर्न आगा बाकुर सदर ने हिला के रख दिया कम्युनिज्म सोशलिज्म के मुकाबले में इस्लामी निजाम को डिस्कस किया उस जमाने में कि जब इराक में कम्युनिज्म का बोलबाला था ईरान में तोदा वाले थे कम्युनिस्ट ऐसा होता है हिलाने वाला मॉडर्न होता है अलामा तबातबाई तवा जैसा कि जो यूनिवर्सिटी में जाकर शागिदों को जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया अलामा तबा तबाई तवा के पास शाह ईरान फ्रांस के सफीर के जरिए से शोर से लड़ाकर डॉक्टर हेनरी कॉर्बिन मिलने आता है और दरख्वास्त करता है कि मैं तेहरान आया करूंगा और आपसे मिला करूंगा ऐसा होता है मॉडर्न आगा मूसा सदर जैसे लोग होते हैं मॉडर्न कि जिनके बारे में कुछ ईसाई कार्डिनल्स ने उस जमाने में कहा कि अगर मूसा सदर जैसे कुछ और शीह होते तो सारी मसीहत खत्म हो जाती मूसा सदर जैसे होते हैं मॉडर्न जिनके बारे में यही किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब का कहता है कि आज तक मैंने इतना वेल मैनर्ड और इतनी मालूम वाला आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा यह मूसा सदर है कि जिस महफिल में जाते थे छा जाते थे अल्लाह ने हुसन भी दिया था इस पाफिया मलून ने 25 से 29 अगस्त 1979 में उनको अगवा किया 1978 में इनकलाब से कुछ पहले वजह क्या थी उनकी शख्सियत इतनी भारी थी लुबनान से निकलते थे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था लुबनान में दाखिल होते थे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था ऐसा बनो छोटी चीजों को छुड़ के आजादारी को इससे मॉडर्न बनते नहीं मॉडर्न बनते हमारे उलवा मिसाल देते हैं कि ताई जो है वो तो पैसा खर्च करता था हातिम ताई पैसा खर्च करता था उसकी शहरत पैसे की थी भाई ने कहा भी मशहूर हो जाऊं उसने क्या किया जमजम में पेशाब कर दिया <laughs> तो पैसा ख़र्च करके सहावत बनना अच्छा होता है क्या नाम क्या बदनाम ना होंगे क्या क्या है वो अपने क्या नाम ना होगा अगर बदनाम ना होंगे ना तो याद रखें आज़ादारी की जितनी चीज़ें इनमें से हम किसी को अल्लाह रसूल नहीं मानते किसी से भी खुद नहीं मानते हत्या खान काबा से भी हम खुद नहीं मांगते याद रखें खान काबा को तब्रुकन पकड़ते हैं लेकिन खान काबा को भी सजदा करना हराम है शक है इसमें कुछ सजदा अल्लाह को करते हैं खान काबा डायरेक्शन है खान काबा को बरकत के अतवार से छूते हैं दुआ मांगते हैं लेकिन उससे नहीं मांग रहे होते लेकिन हाँ ये कहते हैं अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है बस हर वो चीज़ के जो खुदा रसूल और आइम्मा की याद दिलाए उसमें बरकत है उस चाहे वलम वाबू तो जुलझना हो कुछ भी हो अगर खुदा की याद दिला रही है उसमें बरकत है हतीबानी का जाकर जानवर क्या है कर्बानी का जानवर कुरान के अदबार से रवायत के अदबार से नहीं कुरान के अदबार से हर क़ुरबानी का जानवर क्या है व, 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 मिन शायर अल्लाह ये जो कुरबानी का जानवर है ये शायर अल्लाह है करो जाओ बहस करो अब वहाबियों ने भी एतराज़ करना छोड़ दिया है भाभी एतराज़ करते जरियों के ऊपर आप जानते हैं वहाबियों ने जरियाँ बनाना शुरू कर दी हैं क्या मुरा जरियो से मॉडल कौन सा मॉडल आपको पूरे सऊदी अरब में मिलेगा का, खाने काबा मस्जिद नबवी का मॉडल मिलता है कि नहीं मिलता भाई तुम प्लास्टिक का बना रहे हो सिल्वर का बना रहे हो अल्मोनियम का बना रहे हो हता सोने के बना रहे हो हम पीतल के बना लेते हैं जिशिया मशरक हैं ये तुमने क्यों बनाया है एहतरामन बनाया हमने भी एहतरामन बनाया और एक जरिए तो आपको पूरे सऊदी अरब में मिलेगी खसूसा हर दुकान पर और खसूसा हत्या सुनारों में वो किसके जरिए मिलेगी खाने काबा का दरवाजा है कि नहीं है उन्होंने भी ये एतराज छोड़ दिया है अब मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि फलस्ती में एक साहब मारे गए थे शेख अहमद यासीन शेख अहमद यासी कौन थे हमास एक थे किसने मारा था इसराइल ने मारा था उनकी बरसी पर व्हील चेयर उठती है क्यों कि वापच थे व्हील चेयर पे थे क्यों व्हील चेयर उठती है बताने के लिए कि इन्होंने उस आदमी को मारा कि जो अपाहष था बूढ़ा था व्हील चेयर पे था व्हील चेयर दरहकीकत उनकी मजलूमियत को और तारीख को याद दिलाने के लिए उठती है यह झूला भी दरहकीकत हुसैन की मजलूमियत और अली असगर की मजलूमियत को ताजा करने के लिए उठता है यह मॉडर्न आर्ट का हिस्सा है हम मॉडर्न हैं इसके बाद बस मॉडर्न अगर बनना है तो और बहुत सारे काम करने चाहिए सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मॉडर्न इंसान नंगा हो के कपड़े कम करके नहीं बनता मॉडर्न दीन पर ऐतराज़ करके नहीं बनता मॉडर्न कोई इलमी थ्योरी लेके आए ऐसी थ्योरी लेके आए कि जिसके ऊपर कोई आके डिस्कस तो करे चाहे वो डर नहीं क्यों ना हो बिल आखिर दिया तो सही उसने कुछ डिस्कस तो किया जाए उसको ज़्यारत आशूर में दर हकीकत एक जो अहम तरीन मौजू है वो है लान का मौजू लान से क्या मुराद कि अल्लाह की रहमत ना हो बल्कि अल्लाह की रहमत की ज़िद हो और वहाँ पर एक शऊर दिया गया है कि इमाम के ख़िलाफ़ जो भी लोग हों कौन लोग हों लान मुख्तलिफ़ कस्म की है वहाँ पर मिसाल के तौर पर क्या आया يا عبد الله إني أتقرب إلى الله ولرسوله رسوله أمير المؤمنين وإلى الحسن وال... وإليك بموالاتك وبالبرات ممن أسس أساسا ذلك وبنى عليه بنيانه أي إمام حسين إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله أمير المؤمنين وإلى الحسن وإليك أي حسين ما قرب حاصل کرتا ہوں الله کا کا رسول کا مولا امیر المومنین کا جناب سیدہ حسن کا اور آپ کا. बेमवालते का आपकी मोहब्बत के जरिए से और किसके जरिए से वह बिलबरात ममन असा असा का व बना अलहि बुनिया ना हूं और जिन लोगों ने इस जुल्म की बुनियाद रखी तो यहां जियारत आशूर बता रही है कि जो एक ालिम सामने आ रहा है फकत उसको ना समझे जिसने बुनियाद रखी है उसको भी जाने मसला यजीद पे लानत से नहीं हल होता यजीद जैसों को लाने में पचास साल में जिन्होंने राह को हमवार किया उनको पहचानना भी जरूरी है सल बात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद और उसके साथ साथ क्या है वलान अल्लाह उम्मतन असरजत अलजमत व तैनक कबत लिखे ताले के लानत हो उस गुरोह के ऊपर कि जिसने घोड़ों पर जीन लगाई खुद नहीं आए किसी ने जीन भी लगाई हुसैन के मुकाबले में तो लानत हो वलान अल्लाहन असरजत सरज सुना होगा सरज कहते हैं जीन को वलान असरजत वह अलजमत अलजामत यानी लगाम लगाम को अरबी में कहते हैं लजाम अरबी के बाद अल्फाज सॉरी फारसी के बाद अल्फाज अरबी में गए हैं जैसे कि लगाम लजाम हो गया नरगस नर्जिस हो गया इसी तरह से अरबी में हेब्रू वर्ड भी आए हैं बहुत सारे हिब्रू वर्ड हैं जो अरबी में आए हैं मिसाल के तौर पर अब हेब्रू वर्ड है सोम हेब्रू वर्ड है तहारत हिब्रू वर्ड है हर जबान में कुछ ना कुछ वर्ड आते हैं इधर से उधर वह एल जमत और जिन्होंने घोड़ों की लगाम लगाई वह तनकबत तनकबत के ऊपर डिस्कशन आता है कि तनकबत के क्या माना है एक तनकबत के माना होते हैं जिन्होंने नकाब लगाई एक माना होते हैं तनकबत वो नकबा से निकला है कि जिन्होंने लोगों को जैसे जमा किया तो जो भी इसमें माना लिए जाए तो यहां से पता चला कि ज्यारत आशूर इंसान को एक शुरूर दे रही है बता रही है कि इतने सादा ना बनो कि एक आदमी ने अगर कुछ कर दिया तो फकत उसी को फोकस कर लो ना ये देखो कि ये आदमी आया कहां से था आसमान से गिरा था कि जमीन से निकला था मैं एक दफा योम माम हुसैन था और जहां तक मुझे याद पड़ता है यह कर एन ई डी का था शायद और वहाँ पर कई आए हुए थे और सब ने जो है वो अहर सुन्नत के भी थे देवबंदी बबंदी भी थे एक दो शी भी थे तो यजीद की जितने भी कर सकते थे ख़िदमत उसकी अंजाम दी यानी लगाई उसकी बर्बादी कि जो उसका हकदार था जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा सारी बातें तो यजीद की हो चुकी हैं वो तो अंडर स्टोडाई खबीस तो मैंने ये कहा कि इतने माशाल्लाह प्रोफेसर्स हैं डॉक्टर्स हैं, हैंमाए कराम हैं ये मौजूद तो यजीद का डिस्कस हो गया यजीद को तो हर शख्स ही जानता है हमारे माशरे का कम इल्म तरीन फर्द भी जानता है कि ख़बीस था पलीत था शरीर था लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स हैं प्रोफेसर्स हैं इंजीनियर्स हैं आप लोग हैं आप लोग को इसके आगे जाना चाहिए और आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि इस फासिक और फाजर और जानी और शराबी और बंदर और कुत्तों से खेलने वाले को लाया कौन था मुफ्त से हमने गुफ्तु की और हमने कहा कि ये देखना चाहिए इसको लाया कौन था जब यजीद की बात होगी तो बड़े सादे लोग हैं वो बाज़ जो यजीद के ऊपर आके स्टॉप हो जाते हैं या बहुत सादे हैं या बहुत हैं याद रखें या बहुत सादे हैं या बहुत बदमाश हैं बहुत सादे इस एतबार से हैं कि वो सिर्फ यजीद को देख रहे हैं बहुत बदमाश इस वजह से हैं कि यजीद को फोकस करके औरों से तवज्जो हटाओ इसको दे दो इसे कुर्बान कर दो बाकियों को बचा लो। ज्यारत आशूर यह कहती है मे मन असा असा जुल्म कि लानत थ के ऊपर जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी जिसके लिए राह की, ये पहचान जाएंगे तो पता चलेगा कत्ल इमाम हुसैन करबला में हुआ है दस को, कोसठ हिजरी को करबला में हुआ है बज़ाहिर लेकिन असल में कत्ल इमाम हुसैन मदीने में हुआ है सकीफा बनी सादा में हुआ है ग्यारह हिजरी को हुआ है जुमे के दिन करबला में नहीं हुआ पीर को हुआ है यह है असल पैगाम जियारत आशूर का कि हमेशा ये देखो कि फितना आया कहां से है क्यों आया है क्यों लाया गया है सलवाद पढ़ें बर महम्मद वाले मोहम्मद तो कोशिश करें कि जियारत आशूर जरूरी नहीं अरबी में पढ़ें ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफा में पढ़ें समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एक में पढ़ें थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें थोड़ा सा उर्दू में पढ़ें एक बेहतरीन वेबसाइट है दुआ डॉट औरक बहुत ही एक मोमिन और मुखलस चंद अफराद हैं बम्बई के इनमें से कुछ में हमारे दोस्त हैं बहुत नेक लोग हैं इन्होंने बनाई है और बान नशियत की इससे बड़ी खिदमत हो रही है दुआ डॉट औरक उसमें जाके उर्दू का देखें उर्दू से नहीं इंग्लिश का देखें उर्दू की मफाती में देखें हल्के हल्के देखें दिमाग लड़ाएं कि ये जीारत के जो हदीस क़दसी है ये अल्लाह सुबहाना हूँ तआला हमसे क्या चाह रहा है इसी जीारत के जो दो अहम पैगाम हैं उन्हें इन कल बयान करते हैं और हमें लग यही रहा था कि जियारत आशूर ज़्यादा डिस्कस होगी और वाखन होनी भी चाहिए लेकिन और जियारतों का भी हम डिस्कशन कर देंगे ज़मनन ने एक जीारत का आज डिस्कशन कर दें कि जियारत नाहिया दो हैं शायद पहले भी तवज्जो तो दिलाई थी एक ज़ियारत नाहिया मशहूर है कि जो इमाम हुसैन से ख़िताब है एक ज़ारत नाहिया ग़ैर मशूरा है कि जिसमें शहदा के नाम हैं कि जिनमें से कल हमने दो पढ़े थे जनाब ओन व महम्मद तो उनमें शहदा के नाम और कतलों के नाम हैं और ये कहलाती है ज़ियारत नाहिया ग़ैर मशहूर यह कहलाती है ज़ियारत शहदा और ये दोनों इतफाक़ से मफाती में नहीं है ना ज़्यारत नाहिया मशहूर है ना ज़्यारत नाहिया गैर मशूर या नाहिया शौदा, दोनों मफाती में नहीं है बिहार में भी हैं खूस इकबालमाल में जो सैद अब ताउस की है सलवा पढ़े पर महम्मद वाले मोहम्मद तो ये जो अब निकलेंगे झूला तो या तो आप मॉडर्न बन जाए ऐसे कीजिए कि इसका फ़ायदा क्या है लेकिन इनशाला कोई ऐसा इनमें तो नहीं रहा होगा आप तो याद रखें कि ये असल झूला उस इमाम हुसैन की मजलूमियत को याद दिला रहा है वो मजलूमियत के जिसके बाद दुश्मनों ने भी कहा कि अब तो वाहन हुसैन बेज की इंतहा हो गई लिहाजा जनाब अली अजगर की आप जानते हैं फजीलत क्या है इमाम हुसैन की मजलूमियत को अगर साबित किया है किसी ने वजह क्या है कुछ लोग ऐसे थे कि यह तो होना चाहिए था इनके साथ लेकिन जनाब अली असगर की मजलूमियत के बाद वो भी कह उठे यह ज्यादा हो गया सारे नहीं अच्छे खासे ये ऐसी मजलूमियत थी कि उमर साद को भी कहना पड़ा इख्ता कलाम अल हुसैन हुसैन की बात को काट दो सदा बात नहीं थी करबला में और भी बच्चे थे कि जिनका आज सिर्फ नाम ले देते हैं ताकि इन शाह अगर जिंदगी रही शाम गरीबा में असर आशूर में तो डिस्कस करें तो सदाब को ताजब ना हो एक जनाब हजरत मुस्निनि बबिन अकील की बेटी खेमे जब ताराज हुए शहीद हुई जनाब आत बिनते मुस्लिम तस्न बिन अकील दो बच्चियाँ इमाम हसन अलसम की नस्ल से ज़ाहिर उनकी पोतियाँ थीं उम्मल हसन और अम्ल हुसैन या उमुल हसन और अमुल ख़ैर ये दोनों बच्चियाँ भी असर आशुर कत्ल हुईं दो बच्चे जनाब मस्लिम मैंने अकील के जो खो गए थे बाद में कत्ल हुए वहाँ पर डिस्कशन है कि ये खोए कब थे हज़रत मुस्लिम के साथ गए थे इस कौल को अमूम ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझते शेख सदुक भी फरमाते हैं ये साथ नहीं गए थे ये बच्चे असर आशूर में खो गए थे फिर मिले नहीं थे फिर गिरफ्तार हो गए थे बाद में कत्ल हुए थे एक बच्चा था जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अबू सईद इब्ने अकील जनाब अकील के एक भाई थे अबू सईद उनका बेटा था कि जिनके बारे में बयान हुआ कि जब खैमे जलने लगे तो एक बच्चा खैमे से घबराया और निकला और रावी कहता है कि मैं नहीं भूलूंगा उसकी जुल्फें थीं और कान में एक हल्का था हल्के के नीचे गोहर था गोहर से क्या मुराद जौहर जौहर से क्या मुराद एक प्रेशर स्टोन कोई कि प्रेशर स्टोन किसी किस्म का भी एक नख था वो कहता है मैं नहीं भूलूंगा उसकी जुल्फ़ें थी, कान में एक हल्का था उस ज़माने में बच्चों के डाला जाता था ये घबरा के निकला इधर से उधर देख रहा था एकदम से एक तीर आया वहीं पर वह ख़त्म हो गया असर आशूर दो बच्चे थे मौला अमिर के नवासे जनाब अकील के पोते मौला अमिरम्न की एक बेटी थी रुक़ैया जिनकी शादी हुई थी मुस्लिम इबिन अकील से एक बेटी थी करबला में इनके अलावा भी बेटियाँ थी एक बेटी और थी जिनका नाम था खतीजा बिन अकील इनका निका हुआ थाब्दुलरहमान इबिन अकील से अब्दुलरहमान इबिन अकील शहीद हुए और रहमान अबन अकील जब शहीद हुए तो मौलामिर की ये बेटी बेवा हुई इनके दो बच्चे थे एक का नाम था साध एक का नाम था अकील असरे आशूर यह भागते हुए निकल गए उसके बाद जो रात को लाश मिली है तो ये दोनों मर चुके थे तो करबला में जनाब अली असगर की शहादत हत्ता बच्चों में भी सबसे ज्यादा मुहिम है बात करनी है किसी को तो हम जिक्र करते हैं किन का जनाब हज़रत आयतल्लास्मा मिर्ज़ा कुम्मी का तकरीबन आज से दो सौ पंद्रह साल सोलह साल पहले दरासा मुझे कन्फ्यूजन है शायद अठारह साल पहले दुनिया से रुखसत हुए मर तकलीद थे पूरी दुनिया तशैयों के ज़माने में मिर्ज़ा उम्मी आयतस्मा मिर्ज़ाकम्मी आयतल उ मिर्ज़ा कुम्मी का एक नाम है आज तक आयतल उज़मा मिर्ज़ा कुम्मी का, का आलम क्या था इससे पहले कि वह बयान हो एक रिवायत का जिक्र है मला हज़रफ़ी में भी है दीगर कुतुब में भी है छोटी सी दुआ है लेकिन जो असल मौजूद है सजदे में जाओ और अल्लाह से कहो बेदमिल मजलूम तीन दफा कि तुझे खून मजलूम का वास्ता है यहां पर डिस्कशन अलामा मजलिस ने भी किया है और दीकरा ने भी किया है खून मजलूम कौन है कुछ ने फरमाया खून मजलूम से मुराद खून इमाम हुसैन यकीन है खून इमाम हुसैन मोल अली भी हैं जनाब सैदा भी हैं लेकिन इमाम हुसैन कतअन है कुछ मा ने कहा है कि इमाम हुसैन कतअन है लेकिन एक और खून है कि जो हर किसी के नज़दीक खून मज़लूम है व खून जनाब हसरतली अजगर है बस सजदे में के इंसान के या बे तमिल मज़लूम या बेदमिल मज़लूम या बे तमिल मज़लूम या अल्लाह तुझे खून मज़लूम का वास्ता या अल्लाह तुझे खून मज़लूम का वास्ता या अल्लाह तुझे खून मज़लूम का वास्ता अब हम आते हैं जनाब मिर्ज़ा उम्मी का वाक़ा जनाब हज़रत आतम मिर्ज़ा उम्मी और इस वक्त भी बहुत सारे हैं जैसा कि हमने तोज दिलाई थी कि आ गए बहजत आ गए ये सारे बुजुर्गान क्या थे ये अपने दर्जात बुलंद करते हैं ज़िक्र इमाम के ज़रिए से याद रखें एक और चीज़ बाद दफ़ा जब हम मसायब पढ़ें आप घर में पढ़ें नॉलेज नहीं बढ़ेगी उन मसायब से बढ़ेगी एक दफा आप पढ़े एक दफा बीवी पढ़े एक दफा बच्चे पढ़ें, एक दफा माइक लगा दें अपना कैसेट लगा दें एक ही को रिपीट करते रहें, नॉलेज नहीं बढ़ रही असल मौजू यह है कि यह महफिल नूरानी होती है जिसमें जनाब सैदा रसूल अल्लाह सबसे बढ़ के जनाब सैदा अम्बिया मलाया का नज़ूल होता है बरक़ात होती हैं मसला हर दफ़ा नॉलेज गेन करने का नहीं होता मसला उनमें से एक अहम तरीन ये होता है कि ऐसी महफिल में बैठें कि जो अल्लाह रसूल और आइम्मा के पसंदीदा महफिल जनाब मिर्ज़ा कम्मी की रविश थी कि वो अपने दर्श से पहले फरमाते थे के मसाइब पढ़ो आपको ताबज होगा कुम में नजफ़ में बहुत सारे ऐसे दरस ख़ारिज हैं कि कुछ के दिन मीन हैं और कुछ का यह है कि डेली तिलावत कुरान के बाद एक दो अशार कोई भी एक नोहे का शेर मरसी का शेर कोई भी एक जुमला क्योंकि ईरान में आम तौर पर जो मसाइब होते हैं वो अशार से होते हैं याद रखें आपने सुना होगा ज़रा तरन्नुम के साथ तो तिलावत कुरान एक दो अशार अब वो डिपेंड करता है जो ऊपर बैठा है तलेब इल या जो भी कि वो हज़रत जैनब के पढ़ दे हजरत मुस्लिम के पढ़ दे हजरत मिसाल के तौर पर हज़रत हाँ अब्बा के पढ़ दे जो उसका दिल चाहे दो अशार तीन अशार पढ़ दिए और लोग तबरुकन गिरिया करते हैं ये किसकी बात हो रही है येमाय कराम मराज उज़ाम की बात हो रही है चाहते हैं दरस ख़ारजो अहल बैत के लिए है ये नूरानी हो जाए ये है मॉडर्नज़म ये है तो जनाब मिर्ज़ा कौम्मी की रविश थी कि वो अपने दर्स से पहले फरमाते थे कि तलावत कुरान और ये पढ़ दो अभी भी अगर आप सर्च करें आगे वहीद का दरस ख़ारिश तो आपको बाज़ दफ़ा उसमें मिलेगा कि उनके दरस ख़ारिश से पहले मसाइब हो रहे हैं ये सबा की रविश चल रही है पहले से वजह क्या है इन मसाइब से बरकत होगी मसाइब से आगे वहीद और आगे वहजत के इल्म में कोई इजाफा नहीं हुआ ये जो जिक्र हुआ है उससे एक नूरानियत आई है उससे जो नूर फैला है वो वो अक़ीदा रखते हैं हमारे वो जो नूर फैला है वो किसी और चीज़ से नहीं फैल सकता था तो जनाब मिर्ज़ा कुम्मी आमतौर पर फरमाते थे तिलावत कुरान के बाद कि चलो मसाहब पढ़ो लेकिन बाज दफ़ा वो फरमाते थे कि मसाहब पढ़ो किसके जनाब अली अज़र के तो लोग ये नोट करते थे कि वैसे तो कहते हैं मसाहिब पढ़ो लेकिन आमतौर पर बज दफ़ा बज दफ़ा वो कहते हैं कि हज़रत अली असगर के मसायब पढ़ना आज तो लोगों ने उनसे सवाल किया उनके शागिदों ने कि ये जो आप हज़रतली अज़र के मसाइब का कहते हैं क्यों उन्होंने फरमाया जब मैं इंतहाई मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता हूँ कौन आयतल मिर्ज़ा कम्मी मर्ज तकलीद आलम ज़मान सत्तर अस्सी साल की उम्र में फरमाते हैं जब मैं इंतहाई मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ तो उस दिन कहता हूँ मजलिस पढ़ने वाले से कि हज़रतली असगर के, के मसायब पढ़ो उसके बाद मैं तवसल करता हूँ रूह मुक़दस हज़रतली अज़र से हम में से किसने तवसल किया अली असगर से बच्चे थे वो याद रखें कि इनकी जो अरवा हैं वो बच्चा और बड़ा नहीं होता इनमें रूह रूह है हजरत अली असगर जो हैं बाबुल है बाबुल हवाइज हैं ये हजरत आयतम मिर्जा खुम्मी फरमाते हैं कि फिर मैं तवसल करता हूँ कब के जब शदीद तरीन मुश्किल होती हैं या उनके शागिदों ने पूछा इतने शहदाय करबला में से हजरत अली अजगर से बहुत वैलिड सवाल था और ये शागिर्दों की रविश होती है पूछते क्यों इतने शहदाय करबला में से हजरत अली अजगर से तवसल क्यों तो उन्होंने फरमाया हजरत अली अजगर अलाम की एक खसूसियत है जो किसी में नहीं है ये जो हमने इतने बच्चे बयान किए इनमें भी नहीं थी बच्चे तो बच्चे ये किसी शहीद में भी नहीं थी जब कहा जाए किसी शहीद में तो इमाम हुसैन में भी नहीं थी जब कह दिया इमाम हुसैन में नहीं है इसका मतलब है किसी में नहीं है हजरत अब्बास जनाब कासिम जनाब अली अकबर जनाब ओन जनाब मोहम्मद असाब इमाम हुसैन अंसार इमाम हुसैन जनाब अकील के फरजंद किसी में नहीं है हत्या इमाम हुसैन में नहीं है अब सारे को काियोसिटी हुई कौन सी फसीलत यह आपके जहन में भी होगी कौन सी फसीलत क़ुरबान हो जाए आयतल ऊसम रजाक की मार्फत पर वो फरमाते हैं कि फजीलत एक सिफत माजरत एक सिफत ऐसी है एक खसूसियत ऐसी है कि जो किसी में भी नहीं है वो कौन सी है कि शहदाय करबला में से सब ने अपना कुछ ना कुछ तो दिफा किया होगा तमाम चौहद करबला में से सब ने अपना कुछ ना कुछ दिफा तो किया यह है अली असगर कि जो अपना दिफा भी ना कर सके ना ये चल सकते थे ना ये हत्ता उठ सकते थे हद यह है कि गर्दन को भी हरकत नहीं दे सकते थे जो इनकी आखिरी हरकत बची थी वो हरकत थी कि जैसे कहते हैं रवायात में नक़ल हुआ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए कब कि जब निदाय आखिर बुलंद हुई इमाम ने नदा दी निदा क्या निदा दी हलमिन नासर अंसुरना हलमिन मुकीस युकीसोना कोई है जो हमारी मदद करे कोई है जो हमारी नुसरत करे लेकिन जो तीसरी निदा थी वो सख्त तरीन निदा थी वो निदा थी हलमिन यज़ुब्बन हराम रसूल अल्लाह कोई है जो हराम रसूल अल्लाह का दफा करे हराम रसूल अल्लाह कौन है कोई जैनब और उम्म कुम की चादरों का दिफा करने वाला है और रसूल के घर की खवतिन की चादरों का दिफा करने वाला है रसूल के घर की खवन के ख़ैमों का दिफा करने वाला है कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई अब यहाँ पर एक आयतल तहरानी के ख़ुदाबन तबारक वाली उनके दर्जात को बुलंद फरमाए वो फरमाते हैं जब बच्चे रोते हैं तो रोने के मरहले होते हैं कि जब फारसी में कहते हैं गिरिया और गिरिया के बाद एक चीज़ होती है जारी हम इसको एक सलफ़ समझते हैं गिरिया और जारी ना गिरिया गिरिया है जब बच्चा रोना शुरू करता है और जारी वो चीज है कि जब रोने की इंतहा हो जाती है गिरिया वो मरहला होता है कि उस वक्त अगर बच्चे को दूध दे दिया तो वो खामोश हो जाता है गिरिया वो मरहला होता है कि वो बच्चा माँ के पास होता है जारी वो मरहला होता है जब बच्चा बेकाबू हो जाता है और जारी वो मरहला आता है कि इर्द गिर्द जो खवीन होती हैं वो भी बेचैन हो जाती हैं और आगे बढ़ती हैं कि लाओ बच्चा मुझे दो लाओ बच्चा मुझे दो तो वो फरमाते हैं जो एक मंजर कशी फरमाते हैं करबलाई कहते हैं कि पहले तो गिरिया में जनाब रबाब की आगोश में था लेकिन जब जारी शुरू हुई तो कभी जनाब जैनब ने लिया कभी जनाब उमसूम ने लिया कभी जनाब रुकैया ने लिया होगा कभी जनाब खतीजा ने लिया होगा ये सब बीबियां अजीब और गरीब इनकी हालत हो गई थी कि बच्चे का हाल खत्म हो गया लेकिन याद रखें जारी ज्यादा देर नहीं चली इतनी ताकत ही नहीं थी अब जो इमाम हुसैन को बुलाया है तो गिरिया खत्म हो चुका था जारी खत्म हो चुकी थी आखिरी चीज रह गई थी कि जो उनके मक्तल में भी बयान हुआ कैफा या तलब्वा और इसके माना जो है दो निकलते हैं कि जब आग बन जाए यानी यहां पे कहा जाएगा कि जनाब अली अजगर का जो लब मुबारक था वो भी अंगारा हो चुका था एक माना दूसरे माना इसके होते हैं कि जब मछली का दम निकल रहा होता है हरकत खत्म हो जाती है जब किसी में कोई ताकत नहीं रहती और रो रो के एक बच्चा भी अपने ढाल हो चुका होता है तो एक आता है वक्त के सिर्फ होटों में हरकत होती है तो गिरिया खत्म हो चुका था जारी खत्म हो चुकी थी ऐसा गिरिया और जारी का सिलसिला था कि जनाब जैनब और जनाब कुलसुम का भी गिरिया बुलंद हो गया था फिर एक वक्त आया था कि गिरिया और जारी सब खत्म हो चुके थे और अब तो गिरिया शुरू हो गया था किसका जनाब जैनब और जनाब उम कुलसुम और बाकी बीबियों का अली असगर का ये हाल देख यह वजह थी कि जब इमाम ने निा दी हल मिन नौ सुरना हल मिन मुगैसे होना हलमिन हरा में रसूल अल्लाह तो वहां से गिरिया की आवाज बुलंद

आगोश में है। हाँ, नहीं है। नातिक का पोता है तो बलागत का कमाल और नहीं दिखाएगा। एक वक्त आया कि इमाम ने खिता अगर तुम तो मुझ पर रहम नहीं करते तो दूध पीते हुए बच्चे पे तो रहम करो कि जो प्यास से निढाल हुआ जा रहा है अभी यह गुफ्तु खतम ना हुई बाद जगह मकातल में, में बयान हुआ कि भूखा है प्यासा है माँ दूध भी नहीं पिला सकती अभी ये गुफ्तगू खत्म ना हुई कि हमारे साद ने हुक्म दिया कौन हमारे साद साद में अभी वकास का बेटा हमारे साद ने हुक्म दिया इक्ता कलाम अल हुसैन हुसैन के कलाम को मुनक़दा कर दो एक वक्त आया कि हर्मला ने एक तीर निकाला जब तीर निकाला तो किस तीर पे उसका हाथ गया इसका उसे इल्म था या नहीं था लेकिन तीर से शोभा था जब तीरे से शोभा निकला तो लेकिन अगर गलती से भी निकला लेकिन चलाते वक्त उसकी निगाहों के सामने था उसने इतनी जल्दी की ये तीर चला बाद जगह मकातल में बयान हुआ कि यह हाथ में इस तरह से था। बाज जगह बयान हुआ कि امام हुसैन की आगोश में था ये तीर चला पहले रसूल अल्लाह के قلب मुबारक में लगा फिर मौला अली के قلب में लगा फिर जनाब सैयद के قلب को चीरता हुआ अली اصغر के गुले मुबारक पे लगा मक्तल में बयान हुआ फक्द सब हत लो मिनल उजने लल उज बच्चा बाप की आगोश में इस कान से ज़बा होता हुआ उस कान से ज़बा करता हुआ यह तीर निकल के हुसैन के जिस्म में में पैह हो गया हाथ में हुसैन ने खून लेके अल्लाह को मुखातब किया कि या अल्लाह तू गवाह रहना और आसमान की जानिब खून को फेंक दिया इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं खुदा की कसम एक कतरा खून भी आसमान से वापस ना आया लेकिन वो हुसैन के जो जवानों की लाशें उठाते रहे अब बच्चे की लाश उठ नहीं पाती कभी आगे बढ़ते हैं इनना लिल्लाह व इनना इलैहि राजिऊन कभी पीछे आते हैं इन्ना इन्ना अरे मौला और जवानों के जनाजे भी तो माँ ने देखे दिल ये कहता है कि अरे जवानों के जनाजे तो माँ ने देखे लेकिन छ महीने का जनाजा एक माँ कैसे देख सकती है